एक तरफ बृजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है, इतने लंबे अरसे के बाद उनकी रिहाई हुई है, तो दूसरी ओर उनके दुश्मन की खैर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल यहां पर बात हो रही है मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी खुद तो बांदा जेल में कैद हैं ही, बंद हैं ही, तो वहीं बाहर उनके परिवार की मानो शामत आई हुई है। क्या बेटा, क्या भाई, क्या बीवी, सब पर कानूनी शिकंजा ऐसे कसता जा रहा है कि निकलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखाई देने लगा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की। तो अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम कोशिशें जारी रखी हैं, लेकिन उन्हें झटके पर झटका लगता जा रहा है। एक और झटका अब्बास अंसारी को लगा है। दरअसल MP MLA कोर्ट से ये झटका लगा है। हथियार लाइसेंस मामले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें लखनऊ की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। दरअसल गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले हफ्ते ही अब्बास अंसारी ने ये अपील की थी, ये अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी कोर्ट में। अगर आप नहीं जानती कि मामला है क्या, जिसमें गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है अब्बास अंसारी पर, तो दो लाइन में हम आपको वो मामला बताते हैं। 12 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के महानगर थाने में अब्बास अंसारी के खिलाफ फर्जी तरीके से असलहे के ट्रांसफर का मामला दर्ज हुआ था और इस केस में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। और इसके बाद लखनऊ से कई टीमें बनाकर पुलिस अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी भी कर रही है। वहीं अब बात मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजाल अंसारी की। उन्हें भी कोर्ट से झटका लगा है। गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में राहत देने की अपील को खारिज कर दिया है और अब उन्हें कोर्ट में गैंगस्टर केस का सामना करना पड़ेगा। अफजाल अंसारी पर साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। 2010 में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर अफजाल अंसारी ने चार्जशीट को चुनौती देते हुए इस मामले से मुक्त करने की अपील कोर्ट से की थी। वहीं अब इस मामले में 20 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की। इनके ऊपर कुर्की की कार्रवाई हुई है। गाजीपुर पुलिस ने मोहम्मदा थाना क्षेत्र के जाफराबाद में करीब 50 लाख की संपत्ति उनकी कुर्क की है। मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। यानी कि हर तरफ से इस परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इनको राहत मिल पाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और तमाम खबरों को यूपी तक पर देखते जाइए। तफसील से अगर खबरें पढ़ना चाहते हैं तो यूपी तक .in पर आप पढ़ सकते हैं।